Hello students, today we are going to start chapter 3, synthetic fibers and plastic. So without delay, any moment, let's start our new chapter, which is synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made of fabric. यानी कि वो कपड़े जो हम पहनते हैं या जो हमने पहने हुए हैं आप अभी भी देखें ना, यू ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ वियर, या हमने सभी ने. सो ये जितने भी क्लोथ्स हैं ये मिलकर बने, किससे बने? ये फैब्रिक से बने. एंड द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. और फैब्रिक किससे मिलकर बना है, ये कहाँ से मिलता है? ये आपको फाइबर से मिलता है. एंड द फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरली और आर्टिफिशियली. और फाइबर्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. जो आपका फाइबर्स है या उससे मिलकर बना हुआ फैब्रिक्स है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फॉर मेकिंग ए हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हमारे घरों में जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं उनको बनाने में. एग्जाम्पल्स, बेडशीट, कारपेट, रोप्स, कर्टेन, ड्रेसेस, कार सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा. द फैब्रिक्स विच हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ आर मेड फ्रॉम फाइबर. और ये जो फैब्रिक होता है ये हमारी जिंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है. इट्स प्लेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. या जनरली फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरली और आर्टिफिशियली. नेचुरली और artificially. Now, a one question comes strike into our mind. What are fabrics and fiber? Yeah, fabrics क्या होते हैं और fibers क्या होते हैं? Fibers का answer मैं आपको अभी दूंगा आने वाले video में. Fabric, the unstitched clothes, यानी कि वो कपड़े जो अभी सिले हुए नहीं हैं, are known as fabrics. Understood? Now, आपका second part, fibers. आखिर fibers होता क्या है? ठीक है, fibers. Fiber is a smallest visible unit of any textile product. Smallest. Smallest means सबसे छोटी. Fiber क्या है? सबसे छोटी visible unit, जिसको हम देख सकें. Means इससे ज्यादा छोटी unit की तो हम उसको नहीं देख पाएंगे. So fiber is a smallest visible unit of any textile product. Textile means कोई सा भी कपड़ों का product की. Fibers are flexible. Fibers कैसे होते हैं? Flexible होते हैं. And may spun और उनको बुन सकते हैं into yarn. किस चीज में? Yarn में. Yarn means thread में, धागे में बुन सकते हैं. And then yarn convert into fabric. और धागे को knead करके, उसको बुन कर, उसको काट कर हम किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? फैब्रिक्स में. इसको हम फैब्रिक्स में कन्वर्ट. एंड द फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स. मींस जो फाइबर्स होते हैं ये दो तरह से होते हैं, या इनको दो तरह के, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स बाय विच वी कैन ऑब्टेन द फाइबर्स. द फर्स्ट वन नेचुरल फाइबर्स एंड द सेकेंड वन आर्टिफिशियल फाइबर्स. Natural fibers and artificial fibers. Let's talk about natural fibers. What are the natural fibers? The fiber which can be obtained from natural source. Mark this point. The fiber which can be obtained, यानी कि वो fiber जो हम हासिल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं from a natural source. Natural source है, are called natural fiber. वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. सो सिंपल है, नेचुरल फाइबर मींस दिस फाइबर व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर. जो हमें प्रकृति देती है, हमें नेचर देती है, वो हमारे नेचुरल सोर्सेस कहलाते हैं या नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. नाउ दीज नेचुरल फाइबर्स फर्दर डिवाइडेड इंटू टू काइंड. और इनको दोबारा से, किसको? नेचुरल फाइबर्स को फर्दर डिवाइड इंटू टू काइंड. इनको दो तरह के और पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट वन प्लांट फाइबर एंड द सेकेंड वन एनिमल फाइबर. ऑब्वियसली अभी हमने बात की थी द फाइबर विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर.
So plant is a natural thing, obviously, and animal is a also natural part. Yeah. So plants give us cotton, jute, hemp, and so many more. And animal fiber, we obtain silk from silkworm, wool from sheep, yak, camels, and so many more animals are in the nature which give us good quality of wool. I hope you clear this. Now, there are some more example of natural fibers, the cotton, jute, flax, coir, and hemp. So these are other examples. There are some more example of cotton, jute, flax, coir, and hemp. These are natural fibers. Now we left our second part. What is the second part? Artificial fiber. So what are the artificial fiber? Then the artificial is the antonyms of the natural. Natural means prakriti, jo hume God gifted hai. Yeah? Or artificial just is antonyms. Yani ki iska ulta hai. Blom sabd hai. Yeah? So the fiber which are made by human being. Which are made by human being. Means the fiber which are made by human being. Jo kiske through banaya jate hai? Kiske dwara banaya jate hai? Humans ke dwara banaya jate hai. Are called artificial fibers. वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे artificial fibers. If you are taking example, rayon, nylon, polyester, etc. I hope you clear this. Means the fiber which are made by man or made by human beings are known as artificial fibers. So here our lecture is complete. So let's revise what we have studied today. First thing, the first part we studied about clothes. So clothes are made up of fabrics, and these fabrics are made up of fibers. Yeah, clear? Clothes are made up of fabrics, and the fabrics are made up of fibers, and the fibers are of two types: natural fibers or artificial fibers. Natural fibers are those fibers which we are obtained from nature. It's like a plant fiber or animal fiber. And artificial fiber are those fiber which we which are made by human being. Yeah, which are made by man. Is that clear? Okay. Thank you.